नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से रूबरू हूँ बीएस सेकेंड ईयर ऑनर्स के छात्रों के साथ में, और हम चर्चा कर रहे हैं सांस्कृतिक भूगोल कल्चरल ज्योग्राफी पर। पूर्व के हमारे टॉपिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ में जो कल्चरल या सांस्कृतिक पहलू था उस पर बात कर रहे थे हम पूर्व के वीडियो में, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड कल्चरल डेवलपमेंट की। आइए आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं औद्योगिक क्रांति का मानव संस्कृति पर जो प्रभाव अंकित हुआ उस पर चर्चा करें। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ। 400 वर्षों की संघर्षमय यात्रा करने के बाद 20वीं शताब्दी में वर्तमान विश्व की औद्योगिक संरचना द्रष्टव्य हुई। वास्तव में जब किसी क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित होता है तो उसके सहायक अन्य उद्योग भी उस क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं, जिससे एक लघु औद्योगिक क्षेत्र का उद्भव होता है। विश्व में ऐसे असंख्य औद्योगिक क्षेत्रों का उदय हो गया है। वैज्ञानिक प्रगति के फलस्वरूप यातायात, संसाधन, प्रविधि, टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, आदि का विकास हुआ। फलतः लघु औद्योगिक क्षेत्र तीव्र गति से बढ़ने लगे। प्राचीन उद्योगों के स्थान पर नवीन उद्योगों का जन्म हुआ। धीरे धीरे वह लघु क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश में परिवर्तित हो गए। इस औद्योगिक स्वरूप के द्वारा प्राचीन सशक्ति संस्कृति में नवीनता का संचार हुआ। इसका प्रभाव परंपरागत रीति नीति, आर्थिक क्रियाकलाप, टेक्नोलॉजी, जीवन स्तर, परिवहन, विदेश व्यापार आदि सभी पर परिलक्षित होने लगा। प्रारंभ में इस परिवर्तन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हुई। स्वभावतः मानव की प्राचीन परंपरा को त्यागने की स्थिति नहीं बन पाई, परंतु कतिपय बुद्धिजीवी वर्ग इसे सहज अंगीकृत करने लगे, जिसका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा। फलतः धीरे धीरे परिवर्तन का रूप निखरने लगा तथा इस नवीन संस्कृति का प्रसरण वैश्विक स्तर पर प्रारंभ होता गया। प्रोफेसर नोल्स के अनुसार इस क्रांति के प्रसार के फलस्वरूप विस्तृत क्षेत्र में नए लोग, नए वर्ग, नवीन नीतियां, नवीन समस्याएं तथा साम्राज्य, नए उत्पादनों का उदित हुआ। वास्तव में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में भौतिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक परिवर्तन भी परिलक्षित होने लगे। जहाँ मानव रूढ़ियों एवं संकीर्णता से ग्रस्त था, वहीं इस क्रांति के द्वारा विकसित मस्तिष्क तथा खुले विचारों वाला हो गया। भूमि उपयोग, श्रम का रूप, पूंजी की गतिशीलता, संसाधन उपलब्धता तथा संचार व्यवस्था आदि में पूर्व प्रचलित संस्कृति में इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा, जिससे नवीन संस्कृति का सृजन हुआ। प्रोफेसर रामेंट्री के अनुसार औद्योगिक भूदृश्य जो दृष्टव्य है, वह सुंदरता, मनोरंजन तथा कलात्मक सजावट के लिए नहीं है, अपितु उद्योगों की विभिन्न अवस्थाएं भूमिका उपयोग अपने अनुसार कर लेती हैं। औद्योगिक क्रांति के प्रसार से उत्पादन में अधिकता, नवीन तकनीक का विकास, विदेशी व्यापार, संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों का जन्म आदि तथ्य दिखाई पड़ने लगे, जिनका स्पष्ट प्रभाव मानव संस्कृति पर पड़ता है। नवीन औद्योगिक क्षेत्र मानव आवास में भरने लगे। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र का औद्योगिक संबंध स्थापित हुआ। फलतः परस्पर संस्कृतियों का आदान प्रदान भी आरंभ हो गया। यातायात के साधनों के विकास से समय तथा दूरी जैसी समस्या समाप्त हुई। विश्व की बढ़ती जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग उद्योगों में संलग्न हो गया, जिसका जीवन स्तर निरंतर उच्च होता गया। इन उद्योगों में
साधारण मजदूर से लेकर उच्च वर्ग के व्यक्ति कार्यरत हो गए, जिससे इनकी आर्थिक आय में वृद्धि हुई। सामान्य व्यक्तियों का भी जीवन स्तर उच्च होने लगा। बीमारियों एवं महामारियों पर नियंत्रण कर लिया गया। मानव की कार्य क्षमता में वृद्धि, शिक्षा में उत्कृष्टता, समय तथा दूरी पर विजय आदि औद्योगिक क्रांति के परिणाम समाज में परिलक्षित हुए। वर्तमान समय में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव व्यापक क्षेत्र में पड़ने लगा है। राजनीतिक प्रक्रिया भी इस प्रभाव से नहीं बच पाई है। संसदीय कार्यों में सुधार, श्रमिकों का संसद में प्रवेश, राष्ट्र की स्वतंत्र व्यापार नीति आदि तथ्य इससे उद्भूत हुए हैं। औद्योगिक क्रांति मानव के कार्यों को प्रभावित कर इसको विकसित संस्कृति संपन्न बनाती है। वहीं दूसरी ओर औद्योगिकरण से उद्भूत मानव संस्कृति के समक्ष भी प्रश्न खड़े हैं। उद्योगों से निस्सृत धुआं वायुमंडल में फैलकर गैसों को प्रदूषित कर रहा है, जिससे मानव अनेक बीमारियों से ग्रसित भी हुआ है। उद्योगों से निकला कूड़ा कचड़ा जल में प्रवाहित होकर नदियों को प्रदूषित कर रहा है, जिसका प्रभाव पशु वनस्पति तथा कृषि पर भी परिलक्षित हो रहा है। कृषि में रासायनिकों उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा उत्पादन में वृद्धि तो की जा रही है, परंतु इससे मानव अनेक रोगों से ग्रसित भी हुआ है। ध्वनि प्रदूषण जो औद्योगिकरण की देन है, कान के रोग तथा अन्य बीमारियों से जुड़े हैं। प्रदूषण द्वारा मानव ही प्रभावित नहीं हुआ, अपितु उसकी कला संस्कृतियां भी प्रभावित हो रही हैं। वनस्पतियां भी इसके प्रभाव से अपनी उन्मुक्तता समाप्त कर चुकी हैं। वर्षा, ताप, मौसम, जलवायु आदि में भी परिवर्तन घटित होने लगा है। ऋतुएं अपनी मौलिकता में परिवर्तन कर रही हैं। प्रदूषण के प्रारंभिक चरण में वस्तु स्थिति अत्यंत समस्याग्रस्त हो गई है। भविष्य में भयावह परिणाम होगा, इसके लिए मनुष्य अपने आप को भी तैयार कर रहा है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक प्रगति जो औद्योगिकरण का अंग है, आज मानव को उन्नति के साथ साथ उसके नकारात्मक पक्षों के साथ भी जोड़ रही है। उद्योगों का मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो गया है। विश्व में सभी वैज्ञानिक इस विकास के परिणामों से चिंतित हैं तथा इसकी दिशा को मानव कल्याण की ओर मोड़ने के लिए तत्पर हैं। यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही औद्योगिक क्रांति मानवोपयोगी हो जाएगी। तो औद्योगिकरण के स्वरूप पूरे विश्व में सांस्कृतिक पहलुओं पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। औद्योगिकरण के जितने भी सकारात्मक पक्ष हैं, उन्होंने विश्व को करीब ला करके भौतिक उन्नति के मूलभूत आधार प्रदान किए हैं और विश्व में बढ़ी जनसंख्या की मांग पूर्ति में औद्योगिकरण ने अपनी महती भूमिका निभाई है। धन्यवाद।